हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SRC लर्निंग में। C++ की सीरीज में आज हम लोग इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस जैसे हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और सी लैंग्वेज की सीरीज में भी हमने फंक्शंस को कवर किया है। फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कि कुछ मॉड्यूल्स या कुछ चीज़ें जो हमें लगातार अलग अलग जगहों पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कॉमन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें अलग अलग जगहों पे चाहिए, तो हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको जितनी बार भी हमें आवश्यकता होती है उतनी बार उसको कॉल करके हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फंक्शंस को जब हम बार बार कॉल करवाते हैं, या एक ही फंक्शन हमें बार बार कॉल करवाना होता है जिसके अंदर स्टेटमेंट या तो बहुत कम है, तो ऐसे केस में हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ही फंक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल हो रहा है या कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस हैं बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल हो रहे हैं, तो हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच करता है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट और फिर वापस लौट के आता है। और ऐसा बहुत बार ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है ए, अब इस ए को हम यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, फिर दोबारा कॉल करवा रहे हैं, और फिर तीसरी बार भी कॉल करवाया। अब एज एंड व्हेन ए इज बीइंग कॉल्ड, आवर कंट्रोल स्विच टू द डेफिनेशन स्टेटमेंट। आप पहले दो चीज अच्छे से समझ लीजिए फंक्शन के रिस्पेक्ट में, कि ये फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट होती है, कि फंक्शन को हमने बनाया है। फंक्शन को बनाना मतलब उसका ब्लॉक डिफाइन करना, फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट्स को लिखना, डिफाइन करना, कोडिंग करना उसकी, दैट इज अ डेफिनेशन पार्ट। एंड व्हेन यू कॉल अ फंक्शन, व्हेन यू नीड इट लाइक यू कॉल CLRSCR, गेट CH, एक्सेट्रा, तो दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग, इनवॉकिंग ऑफ फंक्शन। और एक और चीज होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो ऊपर कहीं डिक्लेयर, अगर हम मेन के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं या मेन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, कि हम सिर्फ एक डिक्लेयर करते हैं, जैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ऐसे किसी फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं, तो वो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। खैर, यहाँ पे डिक्लेरेशन का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, या डेफिनेशन और कॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक बार ही समझते हैं ये है क्या। देखिए, जब हम फंक्शन के पास जाते हैं, फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता है और लौट के वापस आते हैं, फिर दोबारा गए, फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया, फिर दोबारा नीचे आ गए, तीसरी बार फिर गए, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर तीसरी बार नीचे आ गए। एज एंड व्हेन फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, आवर कंट्रोल स्विच टू द डेफिनेशन एरिया, एग्जीक्यूट ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शन and returns the control back to the calling area. Again and again, it gets repeated again and again when the statement found कि हाँ function call हो रहा है, तो हमें दोबारा से ये चीज़ करनी पड़ती है। तो compiler कहता है यार ये तो जाना और आना बार बार हो रहा है, ठीक है ना, एक ही function बहुत frequently call हो रहा है, कुछ ऐसा तरीका हो कि function ही हमारे पास उतर के नीचे आ जाए बजाय कि हम function के पास जाए। जैसे आपने macros पढ़ा है C लैंग्वेज में, ठीक है ना, तो क्या तरीका है कि फंक्शन उतर के नीचे आए बजाय कि हम फंक्शन के पास जाएं, क्योंकि ये बड़ा इरिटेटिंग और टाइम कंजम्पशन प्रोसेस है कंपाइलर के लिए, कि बार बार एक ही फंक्शन के पास जाया जा रहा है, तो उसके लिए बड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो C++ इंट्रोड्यूस करता है कि आप ये जो जाना है और लौट के आना है इसके टाइम को भी आप बचा सकते हैं। बट हाउ, क्या क्या मेथड है हमारे पास, क्या हम इसका मैक्रो बनाने वाले हैं? नहीं। C++ ने क्या हमें फीचर दिया इसका? C++ ने हमें इसका फीचर दिया इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इनलाइन स्मॉल में लिखा जाएगा, इनलाइन फंक्शन। नाउ व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, अभी समझते हैं। अभी पहले हम एक बार देखते हैं कि अगर फंक्शन को नीचे बना दिया गया, मतलब नीचे बुला लिया गया, तो हमारे कोड का साइज तो बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि आप ऊपर जा रहे थे एग्जीक्यूट करके नीचे आ रहे थे, फिर दोबारा ऊपर गए एग्जीक्यूट करके नीचे आए, ठीक था। डेफिनेशन अगर नीचे आ जाए तो आप कहेंगे हमारा जाना आना सेव हो गया, ठीक है, जाना आना सेव हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम और खड़ी होगी, क्या, कि आपके कोड का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लाइनें हैं, तो इस एक लाइन के बदले में कितनी लाइनें आ जाएगी, 10 और फिर यहाँ पर भी 10, तो ये तो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा। फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन को बनाने के पीछे जो पर्पस है वो यही तो था कि इससे हमारे कोड का साइज कम हो रहा है,
लेकिन यहाँ तो कोड का साइज फिर से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब का जो समाधान है वो हमारे पास है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, और समझते हैं इनलाइन क्या होता है। किसी फंक्शन के आगे जब इनलाइन लग जाता है तो फंक्शन इनलाइन फंक्शन कहलाता है। यानी कि सिंटेक्स में जो हम रिटर्न टाइप लगाते हैं फंक्शन का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया void, अगर इससे पहले मैं इनलाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये फंक्शन अब इनलाइन हो गया है। जब फंक्शन इनलाइन बन गया इनलाइन कीवर्ड के माध्यम से, तो जब भी फंक्शन इनलाइन फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो बजाय कि हमारा कंट्रोल स्विच हो, फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट्स सब्सटीट्यूट कर देगी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को। ये काम कंपाइलर करेगा हमारे लिए। कंपाइलर सब्सटीट्यूट या रिप्लेस द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट विद द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट। आई होप कि आपको डेफिनेशन एंड कॉलिंग स्टेटमेंट में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। तो कॉलिंग स्टेटमेंट सब्सटीट्यूट हो जाएगी, ये सब्सटीट्यूट हो जाएगी डेफिनेशन स्टेटमेंट से। ठीक है, क्यों यूज किया जा रहा है इसका? ताकि बार बार जो कंट्रोल स्विच हो रहा है इसके टाइम कंज्यूमशन प्रोसेस को रोकने के लिए, टू कट द ओवरहेड टू कॉल अ स्मॉल फंक्शन अगेन एंड अगेन बाय मेकिंग अ फंक्शन इनलाइन। ठीक है, तो इसका कोई ड्रॉबैक भी है? हाँ, ड्रॉबैक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक लाइन के बदले में 10 लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये ड्रॉबैक ही है। तो क्या इनलाइन सुटेबल नहीं है? इनलाइन सुटेबल सिर्फ स्मॉल फंक्शंस के लिए है। स्मॉल फंक्शन मतलब जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, एक ही स्टेटमेंट या चलो दो स्टेटमेंट, मतलब हमारा कंट्रोल जो है ना वो स्विच ना करे और फंक्शन की डेफिनेशन की स्टेटमेंट्स कॉलिंग एरिया में आ जाए। एडवांटेज, बार बार स्विच कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, लेकिन भारी डिसएडवांटेज हो सकती है ऐसे कॉन्सेप्ट की कि अगर आपने किसी बड़े फंक्शन को इनलाइन बनाने की सोची तो उसके इसमें C++ खुद से तैयार है, वो ऐसे कुछ चीज़ों को इंक्लूड ही नहीं करता, मतलब उनके साथ काम ही नहीं करता, जैसे जो रिकर्जन या लूप्स या स्टैटिक वेरिएबल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनको हमारा ये इनलाइन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक फटाफट से इनलाइन का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है, एक बार देख लें। हम इनलाइन फंक्शन एक ही बार डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन के समय में अगर हमने कर दिया लाइक इनलाइन इंट सम इंट कॉमा इंट, तो ये हमारा इनलाइन फंक्शन हो गया। अब जब इसको नीचे बनाएंगे तो हम दोबारा इनलाइन कीवर्ड नहीं लगाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, क्या आप डिक्लेयर मत करिए, ऊपर ही डिफाइन कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। फंक्शन को आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? या तो यहाँ डिक्लेयर करके आपको पता ही नीचे कैसे बनाना है, मैं ऊपर कैसे बनाना है मैं वो भी दिखा देता हूँ। That's it. अब ये सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है, हालांकि मैं इसमें लिख सकता था int c, c equals to a plus b, return c, ये भी कर सकता था, और मैंने केवल एक लाइन में लिख दिया। ये 3 लाइन का कंटेंट मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो इनलाइन फंक्शन बनाते समय हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि फंक्शन की डेफिनेशन स्टेटमेंट सिंगल लाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइन के बदले में सिंगल लाइन सब्स्टिट्यूट होगी, कोई हर्जा नहीं है, और आपको कंट्रोल भी स्विच करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने a की वैल्यू या x की वैल्यू मान लीजिए 10 ले ली और y की वैल्यू 20 ले ली, जस्ट कॉल अ फंक्शन इन लाइन सी आउट सम इज इक्वल्स टू एंड आई कॉल सम विद पैरामीटर x कोमा y, दैट्स इट। आप चाहते तो x और y की वैल्यू यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट भी ले सकते थे, 10 और 20 मैंने कांस्टेंट ले ली है आपको सिर्फ समझाने के लिए, आप इनपुट लेके भी काम कर सकते हो। तो पर्पस इनपुट लेना नहीं सिखाना मुझे, पर्पस है इनलाइन फंक्शन का यूज़। तो अब क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस लाइन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, आपका कंट्रोल ऊपर नहीं जाएगा इंटरनली, ये काम इंटरनली है, ये आपको दिखेगा नहीं कि ऐसा हो रहा है कि ऊपर की वैल्यू नीचे उतर के आ रही है और आपको दिख रही है,
ये कंपाइलर इंटरनली ये प्रोसेस करेगा। आपका कंट्रोल जो यहाँ पे जाके स्विच हो सकता था, अब वो स्विच नहीं हो रहा। अब यहाँ से जैसे आप ऊपर जाते, अब आप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि वो लाइन एक्स और वाई रिटर्न ए प्लस बी के साथ यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी और ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो थी वो ए की वैल्यू बन जाएगी और वाई की जो वैल्यू थी वो बी में चली जाएगी। ऑटोमेटिकली यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 30, गेट सी एच करके बाहर आ जाएंगे। ऐसे अन्य फाइल्स को भी, अन्य प्रोग्राम, जैसे स्क्वायर निकालना है हमने, है ना, ऐसे एवरेज निकाल रहे हैं हम, कुछ 5 मार्क्स है एक बच्चे के, उसके एवरेज निकाल रहे हैं। तो जो छोटे छोटे हमारे कैलकुलेशन वाले फंक्शन बनाए जाते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बड़ी भारी मात्रा में नहीं है, तो वहाँ उन फंक्शंस को बेटर होता है कि हम इनलाइन बना दें। ध्यान रखिए मैंने ऊपर बनाया है, ग्लोबल बन गया फंक्शन। कोई भी चीज़ मेन के ऊपर होती है दैट बिकम्स ग्लोबल। अगर मेरे को ये नीचे बनाना होता तो मैं ऊपर सिर्फ डिक्लेयर कर देता ऐसे ही, इनलाइन इंट सम पैरामीटर दो है इंट कोमा इंट, दैट्स इट। अब जब नीचे बनाता ना मैं, तो ये नहीं लगाता, फिर बस ऐसे डिफाइन कर देता नीचे। वो भी तरीका ठीक है, दोनों तरीके से बना के देख लीजिएगा। और आई होप कि आपको इनलाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इनलाइन को अगर हम समराइज करें तो वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट सिंगल लाइन दे रहे हैं। पर्पज़ क्या है, ये जो कंट्रोल, अगर एक ही फंक्शन फ्रिक्वेंटली कॉल हो रहा है बहुत बारी, एक ही प्रोग्राम या बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक फंक्शन है जो बार बार कॉल हो रहा है, मेक इट इनलाइन, क्योंकि वो स्मॉल फंक्शन है और बार बार कॉल हो रहा है, तो हम उस स्विचिंग ऑफ कंट्रोल का जो टाइम है वो बचाना चाहते हैं। ठीक है, जनरली रिकर्जन लूप्स वगैरह के साथ इनलाइन काम नहीं करता, तो नॉर्मली हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए ही डेडिकेटेड करेंगे इनलाइन को। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन में इतना ही आज के लिए, इतना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक वीडियोस पहुंच सके जो एक्चुअली में प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ करना चाहते हैं। खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रोग्राम्स बनाइए। Thank you.